आज रात हम इसी जगह पर रहेंगे। यह सिर्फ तुम्हारी नींद के लिए था। इतनी सी बात के लिए तुमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। हो गया, अब आ जाओ। ये तो ऐसे ही खूबसूरत दिख रहा है। क्या चल रहा है, अब क्या होगा? जब हम पहली बार मिले उस बार में एक गाना चल रहा था, बार बार, क्या तुम्हें याद है? वो लव एंड शाइन, उसकी पहली लाइन सोचो। पहली लाइन, रात को आसमां देखो, तुम्हारे लिए था। तुम्हें अफसोस है कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया? तुम्हें मुझे चाइना आने के बाद ही प्रपोज करना चाहिए था। तो मैं बस वापस आने तक तुम्हें मैसेज करता रहूं। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर मैं नहीं आया तो? जेंगी, हे गुओ, कांग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रखना चाहती हूँ, मना मत करना। माफ करना, पर मेरी फैमिली में एक फंक्शन है, मुझे घर पर ही रहना होगा। ओके, पार्टी कैंसिल करती हूँ। मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, इस मैच के जीतने के बाद पार्टी मेरी तरफ से होगी। ओके। लिव जिरान, तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा, कितनी सुंदर है। नहीं, तुम्हारा प्लेन लेट हुआ क्या? ये लिनलिन है, डोंगसन सिटी की कोच, और ये भाई की एक्स है। मैंगी, सबको तुम्हारा इंतजार है। मुझे लगा मैंगे सब नहीं करता। मुझे भी। हे गो, शिरन, लिनलिन, अभी अभी देखा तुम्हें। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तेज चल रही थी। लिन लिन, ये है यिंगुओ, डनकुओ की गर्लफ्रेंड। हाय, मैं हूँ यिंगुओ। हमें पार्टी में जाना है, हमें चलना चाहिए। ओके, मुझे भी जाना है। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, चलती हूँ। बाय। मदद करो, देखो तो इसे, जब ये मैंग के साथ होगी कौन अच्छा दिखता होगा। मैंने आज से पहले कभी बात नहीं करी, पर आज मुझे ये पसंद आई। चुप रहो, चलो अब, कार वहाँ खड़ी है। ये मुझे दो। तुम्हें उसका क्या पसंद आया? वो सुंदर है। भाई, आज मैं लिनलिन से मिली। ठीक है। वो सच में बहुत सुंदर है। हमेशा से थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। रुको ना, मैं नहीं चलूंगी। मैं क्लब छोड़ चुकी हूँ, मैं अब तुम लोगों में नहीं आती। तुम्हें मेरे लिए अब पार्टी देने की जरूरत नहीं।
चुप रहो तुम, पागल मत बनो, तुम हम में से ही एक हो। और तुमने अभी चैंपियनशिप जीती है, हमारे लिए गर्व की बात होगी, तुम्हें पार्टी देना। प्लीज, तुम तो मुझसे भी बेहतर थी, पर तुमने जल्दी सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, मुझे चोट लगी थी, मैं खेलने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, उतरो, मैं गेट खोलूँ क्या तुम्हारे लिए? चलो मेरी चैंप। किरान, आपका यहाँ तहे दिल से स्वागत है। लू शिरान के लिए जोरदार तालियां। क्या तुमने लिन को मैसेज नहीं किया? नहीं, वहां टाइम अलग है, आधी रात है वहां। अब टाइम भी देखना होगा, ये भी सरदर्द है। देखो देखो, तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस है और पहला प्यार भी है, क्या उम्मीद है तुम्हें? मुझे नहीं पता था। क्या ये आंटी, प्लीज थोड़ा और रुकना होगा, इसके डैड अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, वो भी साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अगर भूख लगी है तो तुम पहले सूप पी लो। ओ नहीं नहीं, भूख नहीं है, अभी खाने का भी टाइम नहीं हुआ है। ओके गुओ, इसका ख्याल रखना, मैं कॉल करके आती हूँ। तुम्हारी माँ से बात करते हुए हर बार डर लगता है, मुझे गलती करने का डर रहता है। हाँ, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? अब तो तुम किसी को भी डेट कर सकती हो। लीनियांग का आखिरी मैच था, एक रेफरी के साथ लड़ाई के बाद उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, और मेरी माँ उस मैच की चीफ टीम की मेंबर थी। तो वो तो गया, फिर तो तुम दोनों ही गए। तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या है? सही लड़का ढूंढा है। दफा हो जाओ यहां से। अब क्या काम है? ये कल नहीं हो सकता क्या? कल मुझे और भी बहुत काम है। सुबह उठते सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस को देखना है, और दोपहर को एक इन्वेस्टर से मिलना है, और शाम को मकान मालिक से मिलना है। मकान मालिक से क्यों? ग्रेजुएशन के बाद वापस नहीं आना क्या? एक साल बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें हेलसिन में नौकरी मिल गई? वहां पर कुछ मैच है, बिजनेस भी अभी कुछ ठीक नहीं है। एक साल में अच्छे से सेट करना है सब कुछ, उसके बाद एक नया क्लब भी खोलूंगा। तुम वहां एक नया क्लब खोलोगे? हाँ, मैं चैन क्लब खोलूंगा। मुझे लगा तुम उन लोगों को रूल करोगे। मन नहीं है क्या? जियांग यांग अभी काफी मेहनत कर रहा है, मुझे उससे अलग कुछ करना है। मैं एक मॉडर्न बिलियर्ड्स रूम बनाऊंगा, मैं नए तरीके से प्लेयर्स तैयार करूंगा अपने तरीके से। तो जब वापस जा ही रहे हो तो एक साल और क्यों? क्योंकि मुझे मैच खेलकर पैसे कमाने हैं। सच में? तुम मैच खेलोगे? हाँ, मैं मैच खेलूंगा। वो तुम
हमेशा रुला देते हो मेरे को। आज रो क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, काफी मुश्किल वक्त था। तुम और कोच दोनों ही काफी गुस्से वाले थे, तुम दोनों में से कोई भी नहीं माना। सब खत्म। ये पुरानी बात है, सो गए क्या? अभी तो नहीं। मैं 5 मिनट के लिए क्लब जा रही हूँ, वीडियो कॉल करें। शावर लिया है क्या? हाँ लिया। आई मिस यू। बस यही कुछ बोलो। क्या तुम ठीक से सोए नहीं? आंखें लाल हो गई हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम ग्रेजुएट होने वाले हो? फिर कहाँ जॉब करोगे? कुछ सोचा है? अभी तक नहीं सोचा है। तुम्हें सोच लेना चाहिए अब, क्योंकि कभी ना कभी तो करनी है ना। ठीक है, अब तुम क्लब जाओ। हाँ ठीक है। भाई ना किसी ट्रेनिंग पर गया हुआ है, उसके बिना क्लब सही लगता है। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। मिस यू। मिस यू टू। बाय बाय। बाय बाय। यांग, सोए नहीं? मुझे बाहर आवाज आई, मुझे लगा तुम हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी, पर तुम फोन पर थे तो सोचा तुम्हें परेशान ना करूं। अच्छा ओके, दिखाओ मुझे। रहने दो, तुम्हारी नींद बाकी है, जाकर सो जाओ तुम। अब टाइम नहीं है मेरे पास,
दिखाओ मुझे। हाँ ये काफी अच्छा है, पिछले वाले क्लब से ये काफी बेहतर है। हाँ मुझे बुलाकर चुप क्यों हो? सिर्फ कॉफी पिलाने के लिए बुलाया है क्या मुझे? डर लग रहा है अपने रिश्ते को लेकर। नहीं वो ठीक है, हम दोनों ठीक हैं। तो क्या बात है? हाँ देखो तुम्हारी रैंकिंग भी ऊपर आ गई है, तुम्हारा करियर भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बॉयफ्रेंड भी है, स्मार्ट दिखता है, पढ़ा लिखा है और तुम दोनों खुश भी हो। मुझे देखो कैसी हालत है मेरी, मेरी हालत से तो ये बहुत अच्छा है। वो ग्रेजुएट होने वाला है। हाँ पता है, पर उसकी अभी तक कहीं जॉब नहीं लगी है। वो बहुत स्मार्ट है, आसानी से वो कोई जॉब ढूंढ ही लेगा। वो दरअसल इस उम्र में आकर जरूर उसने कुछ सोचा ही होगा। सही कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ क्या? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम नहीं तो कौन सोचेगा। चलो जॉब पर आते हैं, जॉब मिलना भी आसान नहीं है, उसके लिए मौके ढूंढने पड़ते हैं। शायद वो अपने करियर को कोई सही डायरेक्शन देना चाहता हो, या फिर उसके पास करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कहना बहुत मुश्किल है। वो तुमसे 6 साल बड़ा है, अच्छे से जानता है क्या करना है, पक्का उसने कुछ सोचा होगा। तुम सही कह रही हो। हेलो, हम तुम्हें गेट 3 पर मिलेंगे, ठीक है? हाँ हम सब मकाऊ वाले गेम में हिस्सा नहीं लेंगे। उससे रैंकिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो नए प्लेयर्स के लिए है। कार आ गई क्या? हाँ हम यहीं रुकते हैं। मैं शेडोंग, माफ करना। बस 5 मिनट हैं। हाँ बोलो अब। बस हेलो कहना था, मुझे नहीं लगता तुम इतने अच्छे हो मेरे साथ। मैंग जियर डोंग, तुम कभी नहीं बदलोगे। हाँ अब बोलो क्या बात है। लेन ये यांग इस बार गेम में हिस्सा लेगा। देखा तुम बस उसमें इंटरेस्टेड हो। हाँ कौन सा गेम? मकाऊ चाइना। उसने खुद को रजिस्टर किया है। मैं समझ गया। मेरा नाम भी मकाऊ वाले में लिखवा दो। रहने दो, तुम बस वहां पर मेरा एक होटल बुक करा दो, मैं सब देखूंगा। हाँ ठीक है।
वही ला दो। अरे आज अलग दिख रहे हो तुम। हाँ अब मुझे इनकी आदत नहीं रही। लिंस नूडल्स हमेशा वाले। ठीक है। इंटरव्यू ऐसा ही कुछ। वो वे ने बताया कि तुम्हें कई जगह से ऑफर मिले हैं, वो ठीक नहीं है? सच कहूं तो मैं कुछ और चाहता हूं। गुड लक। लेन अच्छे से खाओ। थैंक्स। हेलो। प्रैक्टिस टाइम क्या? हाँ वहाँ तो सुबह के 3 बजे हैं ना, अभी तक सोए नहीं। मुझे पता है तुम बिजी हो, परेशान नहीं करना चाहता, पर आज कुछ खास है और तुमसे बात करनी है। क्या बात है? एक खास बात है जो मुझे तुमसे करनी है। देखो मुझे ऐसे मत डराओ, बोलो ना क्या बात है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं दूसरी जगह जाती हूँ बात करने। अब बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं भी खेलना चाहता हूँ। तुम वापस आना चाहते हो? मेरी बात सुनो, मैंने कई सालों से कोई गेम नहीं खेला। दुनिया बदल रही है, गेम भी बदल रहा है, कॉम्पिटिशन्स और प्लेयर्स भी, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत कदम उठा रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, काफी अच्छी है। गेम में वापस आना बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है। अगर मैं अच्छे गेम नहीं जीता तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लिनयांग देखो मेरी बात सुनो, देखो सब ठीक है, मुझे खुशी है तुम गेम में वापस आ रहे हो। सच में
बिल्कुल मत डरो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो दिन सोचो जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मेरा भी कोई नाम नहीं था, तो तुम सोचो कि उससे बुरा तो क्या ही होगा। और अब मैं वर्ल्ड में नंबर 3 पर हूँ, तुम वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें पता है। हंसो मत, मैं सीरियस हूँ लीन यांग, मैं तुम्हारा सपोर्ट हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो हंसो मत, कभी कभी तो मैं ये सब कहती हूँ। ठीक है, रुक गया। तुम प्रैक्टिस करो और मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। इस वक्त क्या काम है, अभी तो तुम्हें सोना चाहिए ना। अपना ध्यान रखो, ठीक है, जल्दी से सो जाओ अब। समझ गया, अब चलती हूँ मैं। ये है चाइनीज प्लेयर लिन यांग, चाइना ओपन मकाओ क्वालिफायर चाइना से आया इकलौता प्लेयर। ये सोलो प्लेयर हैं, किसी क्लब से नहीं है, इन्होंने अभी वापसी की है। इससे पहले कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला, इनकी कोई भी रैंकिंग नहीं है। गेम शुरू हो रहा है। तो ये नया प्लेयर इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। कोई नहीं जानता ये कौन है, इसका कोच कौन है। लिन यांग जीतते हुए अपना रास्ता फाइनल तक बना चुके हैं। तो जिन प्लेयर्स ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था, पता नहीं वो अफसोस करें या खुशी मनाएं, इस प्लेयर के साथ नहीं खेल पाए। गांव के नए चैंपियन को बधाई हो लिन यांग, जो चाइना से हैं। बधाई हो। बधाई।
क्या इत्तफाक है? तुम्हें किसने बताया? तुम जानते हो मैं ये ट्रॉफी रख कर आता हूं, तुम्हें कुछ खिलाता हूं। तुमने इतना भी प्राइज नहीं जीता है, मैं खिलाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ महंगा नहीं खिलाने वाला, और दोपहर से पहले पहले, उसके बाद फ्लाइट है। फ्लाइट बदल लो ना। नहीं होगा, टिकट सस्ती थी। वैसे शुरुआत में मुझे डाउट था तुम्हें और अगुओ को लेकर, लेकिन अब मुझे कोई डाउट नहीं रहा, सच में। क्यों? क्योंकि मैं ये गेम जीत गया इसलिए? मेरी फैमिली चैंपियंस को नहीं देखती, बस इंसान जो है मेहनती होना चाहिए। चलो नीचे मिलते हैं। क्या कर रही हो? अभी अभी कोच ने हमें कुछ बताया है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गुओ, हम दोस्त है ना, तुमने दिल दुखा दिया। क्या मतलब है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फिर से खेलना शुरू कर दिया है, और अभी अभी मकाओ गेम भी जीत गया है वो। कहाँ हो तुम? अपने घर में। तुम तो मकाऊ में थे ना? वापस आ गया, वैसे सो रहा था मैं। मैं टाइम देखना भूल गई। कोई बात नहीं, बोलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मकाऊ वाले गेम के बारे में? मैंने फोन किया था। तुमने मकाऊ से फोन किया था? बताओ मुझे। हाँ। और गेम से पहले मेरी बकवास सुन रहे थे? मुझे पता था तुम प्रैक्टिस में हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया, लेकिन वो मैं अकेला ही बैठा हुआ था, अचानक तुमसे बात करने का मन हो गया और फोन कर दिया। डर लग रहा है? हाँ, लग रहा था। पहले कभी नहीं लगा डर, मतलब पहले किसी गेम को खेलते हुए नहीं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पहली बार खेला मैंने। मुझे लगा कि मैं ही जीतूंगा, ये उतना बड़ा गेम नहीं था। पर अच्छी शुरुआत थी। हाँ, तुम्हारे लिए खुश हूं मैं। अच्छा, अब तुम अच्छे से सो जाओ, कल बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ।
गुओ आप प्रोफेशनल कंपटीशन में क्वालिफाई हो गए। ये क्या हुआ? सबके लिए फ्री बियर। हे, थैंक यू। फ्री बियर। तुम जीते और हारे, हम हर मैच में नहीं जीत सकते, है ना? सारी बियर मेरी तरफ से है। चीयर्स। नहीं, मुझे भी फ्लाइट पकड़नी है, तो सारी बियर मेरी तरफ से। ओके, सुनो सब, बियर लिन की तरफ से है। लिंक, कहाँ जा रहे हो? अब कौन सा मैच है? कल उसका बर्थडे है। ओ, फिर मेरी तरफ से भी विश करना उसे। बिल्कुल, चलता हूँ। बाय बाय बाय। तुमने दवाई ले ली क्या? कुछ आराम मिला? हाँ, दवाई ले ली है, अब सोने का टाइम है। अगर मैं सो जाऊं तो फोन रख देना तुम। कुछ देर और बात करते हैं। मेरी चिंता मत करो तुम, क्योंकि तुमसे पहले भी बीमारी और दवाई चलती रहती थी। आई मिस यू अ लॉट। आई मिस यू। कोई जवाब नहीं देते तुम। तुम शायद थक गई हो, तुम्हें सर्दी लगी है, अच्छे से आराम कर लो। ओके, मुझे फोन नहीं रखना है। हम कल बात करेंगे। ठीक है, अब सोती हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ग्रैंडमा, ये आपकी चाय लीजिए। ओके। केक आ रहा है, माँ मेरी मदद करो। हाँ, मुझे दो। गुओ को हैप्पी बर्थडे। ग्रैंडमा, मैं आपको बताता हूँ यांग के बारे में, जो हमारे साथ रहता है। ओके। वो अच्छा लड़का है। तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम दोनों साथ रहते हो क्या? हाँ, यांग पढ़ाई में बहुत तेज है और कभी कभी तो मेरे पेपर्स में मदद करता है। उसने लैंडलॉर्ड से बात करके हमारा किराया भी कम करवाया ताकि हम पर ज्यादा खर्च ना पड़े। सही कहा ना यिनगो? हाँ हाँ। मॉम, मेरी मदद करेंगी? लाओ मुझे दो। मेरा फोन आया है। हेलो। हैप्पी बर्थडे। मैं अभी मैं घर पर हूँ, सब आसपास हैं तो बात नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं बाद में फोन करूँ? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, हम वहीं पर मिलेंगे, ठीक है? हाँ। तुम
वापस आ गए? कहाँ पर हो तुम? मुझे जल्दी लोकेशन भेजो। हाँ ठीक है, अभी भेजो, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। पर क्या काम? वो मेरी क्लासमेट ने पार्टी रखी है तो सब वहीं पर हैं। अरे जाओ मजे करो। अरे केक तो ले जाओ। नहीं यहीं रख लो। गुओ मशहूर हो गई, सबको गुओ का बर्थडे याद है। मैं चलती हूँ। अरे तुम्हें तो सर्दी लगी थी, फिर ये कपड़े क्यों? वो पार्टी है ना, तो मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ। आप भी कहीं जा रहे हैं? बस कार से कुछ सामान लेने। गो एंजॉय करना। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे। केक खा लेंगे हम। हाँ? ओके, बस थोड़ा सा बचा लेना। बाय बाय। आ गया वो। आपने मेरी बातें सुन ली थी? नहीं, तुम्हारी हरकतों से पता चल गया। कुछ घंटों पहले उसने एक मैच हारा है। हाँ देखा मैंने। उसने हर गेम में रजिस्टर किया है, छोटा हो या बड़ा, ये बहुत ज्यादा है। उसे मिलो तो बता देना कि उसकी हेल्थ भी जरूरी है। आपको उसकी बहुत ज्यादा परवाह है? हाँ है। हाँ है, मुझे उसका इंतजार था। वो एक अच्छा ओपोनेंट है। जाओ आप।